प्रकार्यात्मक समूहों यानी कि क्रियात्मक समूहों की संरचना जान लेने के बाद अब हम अल्कोहल तथा फिनोलों के विरचन यानी कि प्रिपरेशन की विधियों के विषय में जानेंगे। पहले हम देखते हैं अल्कोहलों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो अल्कोहल को बहुत सी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है और क्योंकि हम जानते हैं इनका औद्योगिक तौर पर भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है क्योंकि ये अन्य कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन के लिए भी आधार के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कीनों से जो द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीनों से इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एल्कीनों से भी इनका प्रिपरेशन हम कई तरह से, कई विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि जब एल्कीन की क्रिया तनु अम्ल जो कि यहाँ पर उत्प्रेरक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है और जब इसकी अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखें कि जब जो एल्कीन सममित प्रकार के होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो सममित एल्कीन है दो ही कार्बन है और जिससे जुड़े हुए दो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। जब इनकी अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सममित कार्बन पर जब यहाँ पर योग होगा तो यहाँ पर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तथा दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है और इस प्रकार से हमें यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो क्रियाविधि है वो कई चरणों में पूर्ण होती है और इसकी क्रियाविधि को हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो एल्कीनों के अम्ल की उपस्थिति में जो जलयोजन होता है उसमें पूरी क्रिया को हम ले तो इसे तीन पदों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले पद में, प्रथम चरण में, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर जो क्रिया होती है उसे हम कहेंगे कार्बोकेटायन का बनना। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है वह हाइड्रोनियम आयन S3O+ हाइड्रोनियम आयन के जब यहाँ पर द्विबंध पर अटैक करने के फलस्वरूप यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास जल होता है उसकी अम्ल के साथ यहाँ पर क्रिया होगी और अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप यानी कि इसका प्रोटॉनन होगा और यहाँ पर H3O+ यहाँ पर हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन हमें प्राप्त होगा। अब इस हाइड्रोनियम जो पॉजिटिव आयन है उसका यहाँ पर द्विबंध पर, चूँकि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए यहाँ पर द्विबंध पर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर अटैक होगा और जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो हाइड्रोनियम आयन का एक हाइड्रोजन परमाणु वह कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और चूंकि यहाँ पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तथा दूसरे कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन होगा वहाँ पर यह एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से हमें एक कार्बोकेटायन प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो जल का अणु है H2O वह पृथक हो जाएगा H2O जिसमें कि ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर, दो लोन पेयर उपस्थित हैं। अब द्वितीय पद में, अब ये जो कार्बोकेटायन बना है इस कार्बोकेटायन पर अब पुनः जल का नाभिक स्नेही अटैक होगा, नाभिक स्नेही आक्रमण होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसकी जो अभिरुचि यहाँ पर या इसकी कार्बन धन आयन
के प्रति ये काफ़ी स्नेह रखता है और इसलिए यह जो कार्बोकेटायन है जिसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर यह अटैक करेगा और उससे वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा जिसे हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सोनियम आयन हमें प्राप्त हुआ है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ तीन बंध के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन के साथ, इसलिए यहाँ पर अभी ऑक्सीजन के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब तीसरे पद में यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होगा, यानी कि जो अभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया था उसका डी प्रोटोनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर से बाहर निकलेगा और जिसके फलस्वरूप हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से फिर से जो तृतीय पद में जो जल का अणु है वह अपने जो कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वह उसमें का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह कार्बन के पास चला जाएगा, जिससे ये जो हाइड्रोजन है वह पृथक हो जाएगा और पुनः जाकर ये जल के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो हाइड्रोनियम आयन है वह पुनः पृथक हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा हमें तीन पदों में अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यदि यहाँ पर जो एल्कीन है या जो वो असममित होते हैं, असममित एल्कीन, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम देखें कि जो द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन हैं उसमें दोनों तरफ जो समान समूह जुड़े हुए नहीं है, एक तरफ सिर्फ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जबकि एक दूसरी तरफ यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो एल्कीन है वह असममित एल्कीन कहलाती है। जब इस असममित एल्कीन पर अम्ल उत्प्रेरित जल योजन होता है तो यहाँ पर जो जल योजन होगा वहाँ पे जो उत्पाद प्राप्त होगा वह मार्कोनी कॉफ के नियम के अनुसार उत्पाद प्राप्त होगा और इस स्थिति में हम जानते हैं कि जल का जो हाइड्रोजन यानी कि होगा और जल में का जो हाइड्रोजन होगा वो पॉजिटिव पार्ट होगा और जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह नेगेटिव पार्ट होता है और हम जानते हैं मार्कोनी कॉफ के नियम के अनुसार जो जुड़ने वाले जो समूह है उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिससे में जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इस तरह से यह मध्य वाले कार्बन यानी कि द्वितीय जो यहाँ पर कार्बन है उस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा जबकि हाइड्रोजन वह पहले वाले कार्बन पर जुड़ेगा और इस तरह से हमें यहाँ पर जो यौगिक प्राप्त होगा वह होगा प्रोपेन टू ऑल जो कि मार्कोनी कॉफ के नियमानुसार बन रहा है। एल्कीनों के द्वारा ही अल्कोहल उत्पन्न करने की अब दूसरी विधि हम जानते हैं और यह विधि है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा। यहाँ पर ये जो विधि है इसे सर्वप्रथम H.C. ब्राउन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1959 में दिया था और बोरॉन से संबंधित या बोरॉन युक्त कार्बनिक कंपाउंड के विषय में जानकारी प्राप्त करने या उनके अध्ययन करने के लिए 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो जानते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोबोरोनन के द्वारा हम एल्कीनों से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाइबोरेन जो हम जानते हैं कि एक डाइमर कंपाउंड होता है जिसका सूत्र होता है BH3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले जो डाइबोरेन है वह एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाता है जिसे हम ट्राई एल्किल बोरेन कहते हैं
और उसके पश्चात ये जो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होगा उसका हम क्षार की उपस्थिति में, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परोक्साइड के द्वारा यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसकी क्रिया यहाँ पर डाइबोरेन से कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो बोरेन है उसमें BH3, इसमें से जो एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर जो मध्य वाले बीच वाला जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तथा जो शेष BH2 समूह है वह किनारे वाले CH2 या SP2 संकरित कार्बन से जुड़ता है। और इसके पश्चात यहाँ पर हम देखें कि अभी भी जो बोरॉन है उसमें दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो यहाँ पर अब एल्कीन का दूसरा अणु भाग लेता है और वह भी बोरेन के जो दो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर बोरॉन से जुड़ जाता है। और इस तरह से हमें यहाँ पर डाई एल्किल बोरेन प्राप्त होगा। इसके बाद पुनः यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एक और तीसरा बोरेन में उपस्थित जो तीसरा हाइड्रोजन है वह भी अब तीसरे एल्कीन अणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है ट्राई एल्किल बोरेन। जैसे क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोपीन का उपयोग किया है इसलिए यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई प्रोपिल बोरेन। तो इस तरह से एक योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त होता है जिसमें बोरेन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु तीन एल्किल समूह के द्वारा तीन एल्कीनों के द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब इस जो योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है उसका हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने जो एल्कीन लिया है वह असममित एल्कीन है तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होना चाहिए वह मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जब एल्कीनों असममित एल्कीनों का ऑक्सीकरण होता है और वहाँ पर परोक्साइड उपस्थित हो तो क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है, यानी कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होती है। तो इस तरह से हमें जो अल्कोहल प्राप्त होते हैं वह द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त ना होकर हमें यहाँ पर जो या जो हम कहें जो हाइड्रोक्सिल समूह का योग होगा वह उस कार्बन परमाणु से के साथ उसमें योग होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से ही ज़्यादा हो। यानी कि यदि हम प्रोपीन मिलें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह दूसरे नंबर के कार्बन पर न जुड़कर पहले नंबर के कार्बन पर ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परोक्साइड उपस्थित हो है और इसलिए परोक्साइड की उपस्थिति में जो क्रिया होगी वह मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगी। तो इस तरह से जो हमें चूंकि यहाँ पर तीन प्रोपीन के अणु हमने उपयोग में लाया था तो इस तरह से हमें तीन यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इनका जो सूत्र होगा वो होगा CH3CH2CH2OH और इस तरह से यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत हमें यौगिक मिलेगा और इसका जो नाम होगा वह होगा प्रोपेन वन ऑल और इसके तीन अणु हमें प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बोरॉन ट्राईहाइड्रोक्साइड या जिसे हम बोरिक एसिड कहेंगे वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो द्विबंध पर योग हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है जिसमें कि जो बोरॉन परमाणु है उस sp2 संकरित कार्बन से जुड़ रहा है जिसमें पहले से ही अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, यानी कि यहाँ पर जो योग हो रहा है वह मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो रहा है। अल्कोहलों को प्राप्त करने की एक अन्य विधि है कार्बनिल यौगिकों के द्वारा।
कार्बोनिल यौगिक यानी कि हम जानते हैं एल्डिहाइड्स तथा कीटोन, और एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के ही अपचयन के द्वारा हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार के अपचायक उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ एल्डिहाइड भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड तथा कीटोनों के उपयोग के द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रकार के अल्कोहल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन का उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन के साथ इनका योग करते हैं यानी कि अपचयन करते हैं, जिसे हम उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनेशन कहते हैं, तो इस तरह से हमें संगत अल्कोहल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि उत्प्रेरक के तौर पर सामान्य रूप से जो संक्रमण धातुएं हैं यानी कि प्लैटिनम, पैलेडियम तथा निकल आदि धातुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, एल्डिहाइड यदि हम लें तो ये हो जाएगा RCHO। सामान्य रूप से हम एल्डिहाइड को इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। जब इसका हम हाइड्रोजनन करेंगे यानी कि H2 के साथ क्रिया कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो कि प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखें कि जो दो हाइड्रोजन H2 के दोनों हाइड्रोजन हैं उनका यहाँ पर योग हो जाता है और हमें प्राप्त होगा RCH2OH। इसी तरह से यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा CH3CHO, और जब इसकी हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण की क्रिया करेंगे तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। इसी तरह से हम कीटोन का उपयोग करके भी यहाँ पर उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, कीटोन जिसे हम सामान्य रूप से RCOR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसका हम उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन करेंगे तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वह होगा RCH जिससे जुड़ा हुआ OH होगा और वहाँ पर साथ ही R यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब हम कीटोनों का उपयोग कर रहे हैं या हाइड्रोजनन कर रहे हैं तो हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, जबकि एल्डिहाइड का उपयोग करने पर हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड तथा कीटोनों का हम सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे जो अपचायक हैं उनका उपयोग करके भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइड हम लें तो एल्डिहाइड का सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जब हम अपचयन करते हैं, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में कम प्रबल अपचायक होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो काफ़ी प्रबल अपचायक होता है। तो इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन करने पर हमें एल्डिहाइड का उपयोग करने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होंगे, जबकि यदि हम कीटोनों का उपयोग करते हैं तो कीटोन के उपयोग से यदि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं उस समय भी हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर RCOR यहाँ पर हम ले रहे हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करने पर हमें जो अल्कोहल प्राप्त होंगे वो होगा RCHOHR, यह द्वितीयक अल्कोहल है। इसी तरह से यहाँ पर हम जैसे अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया CH3CO CH2CH2CH3 यानी कि 2-pentanone, ये कीटोन यदि हमने लिया है और इसका हम उत्प्रेर अपचायक के द्वारा अपचयन करते हैं तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो O है कीटोनिक समूह है वहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन हम देखें कि उससे जुड़े हुए कार्बन से जुड़ेगा और इस तरह से हमें CH3CHOH CH2CH2CH3 यानी कि पेंटेन टू ऑल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
इन अपचायकों का उपयोग करके भी हम एल्डिहाइड तथा कीटोन से क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं एक अन्य उदाहरण जिसके द्वारा हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, वह है कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन के द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम जानते हैं इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOR। यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे जो प्रबल अपचायक हैं उनके द्वारा अपचयित होकर हमें प्राथमिक अल्कोहल की उत्तम मात्रा देता है। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं RCOOH, यहाँ पर ये किसी प्रकार का कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। जब इसकी क्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं और उसके पश्चात फिर इसका से क्रिया कराने के बाद अपचयन के करने के पश्चात जब हम इसका जल योजन करते हैं H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें RCH2OH प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है और यह काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त होती है। लेकिन इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराने पर, चूंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है काफ़ी महंगा अपचायक है और इसलिए जब हम औद्योगिक तौर पर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जब हमें अल्कोहल बनाना होता है तो वहाँ पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं पहले हम उनको एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और एस्टर में कन्वर्ट कर लेने के पश्चात फिर हम उनका अम्ल की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन करते हैं और इस तरह से यहाँ पर फिर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं कि RCOOH ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है, अब जब हमें इसे एस्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम जानते हैं जब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की क्रिया अल्कोहल से की जाती है तो एस्टर बनते हैं और साथ ही जल उत्पन्न होता है। तो इस तरह से पहले हम इनकी क्रिया किसी अल्कोहल से कराते हैं जिससे हमें RCOOR यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यह एस्टर प्राप्त होता है और इसके बाद जब हम इसका उत्प्रेरकीय, जो जैसे कि सबसे पहले हमने विधि पढ़ी थी, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें एक जो प्राप्त होगा RCH2OH प्राप्त होगा और दूसरा होगा जिसमें कि अल्कोहल वाला जो एल्किल मूलक उपस्थित होगा R-OH प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें प्राथमिक अल्कोहल की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है और ये इस विधि के द्वारा औद्योगिक तौर पर हम बहुत अधिक मात्रा में बिना प्रबल अपचायक जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका उपयोग किए बिना भी हम बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं, वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं, यहाँ पर इसकी संरचना हम देख सकते हैं RMGX, जहाँ पर जो R है वह कोई भी एल्किल या एरिल समूह हो सकता है तथा जो X है वह कोई भी हैलोजन जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि हो सकता है। तो इस तरह से जब इन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बोनिल यौगिकों यानी कि एल्डिहाइड्स तथा कीटोन्स इनके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किस तरह से होती है इसकी क्रियाविधि हम समझते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C OO समूह उपस्थित होता है और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ इस पर कुछ ऋणावेश होता है तथा यहाँ पर जो कार्बन होगा उस पर धन आवेश होता है। साथ ही साथ जब इसकी क्रिया हम RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें मैग्नीशियम
यह एक मेटल धातु है जिस पर धनावेश होगा और इससे जुड़े हुए जो एल्किल समूह यानी कि R है इस पर ऋणावेश होगा। तो जब इनके बीच क्रिया होगी तो यहाँ पर जो एल्किल समूह है जो ऋण आवेशित है वह जाकर कार्बन जिस पर धन आवेश है उससे यह संलग्न हो जाता है और इस तरह से हमें एक माध्यमिक या योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम एल्कोक्सी, क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। यह एक योगात्मक उत्पाद है जिसका आगे हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हुआ है एक योगात्मक उत्पाद, अब इसकी जल से क्रिया कराएंगे। जब हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इस यहाँ पर जो आपको बंद दिखाई दे रहा है वहाँ पर, यहाँ पर क्लीवेज होगा और जो ऑक्सीजन के साथ जल का हाइड्रोजन परमाणु चला जाएगा तथा मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्सिल OH समूह जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर अल्कोहल तथा प्राप्त होंगे और साथ ही साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कराने पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अल्कोहल प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, जैसे हम मेथेनल यानी कि HCHO जो कि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, तो जब हम मेथेनल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो यहाँ पर HCHO की क्रिया जब RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होगी तो यहाँ पर हमें माध्यमिक उत्पाद जो प्राप्त होगा, यहाँ पर जो R होगा वह कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ जाएगा और जो साथ ही साथ यहाँ पर जो योगात्मक उत्पाद होगा वो होगा RCH2OMGX। यह एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा हमें। जब इसका जल अपघटन आगे हम कराएंगे तो यहाँ पर फिर से जो O और Mg के बीच क्लीवेज होगा और यहाँ पर हमें RCH2OH यानी कि प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देखें, जब हम मेथेनल का उपयोग करते हैं, मेथेनल की क्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल मिलते हैं। इसके अलावा हमें जिस भी प्रकार का प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करना होता है उस आधार पर हम यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसके एल्किल समूह को हम उस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं और उसके अलावा साथ साथ हम मेथेनल से भिन्न भिन्न प्रकार के प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम HCHO मेथेनल के साथ जब हम आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है जिसमें R हमने लिया है वह आइसोप्रोपिल समूह लिया है, तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो उसी प्रकार से जो आइसोप्रोपिल समूह होगा वह मेथेनल के कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें CH3CH2OH इस प्रकार का हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा और साथ ही साथ यहाँ पर या जिसे हम कह सकते हैं, इसका यदि हम नामकरण करें तो ये हम कहेंगे इसे 2-methyl-propane-1-ol। तो इस तरह से मेथेनल का उपयोग करके साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल मूलक है वो हम भिन्न भिन्न प्रकार का रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए हम चक्रीय श्रृंखला युक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग लेते हैं तो यहाँ पर हमें HCHO की क्रिया जब हम इसे कराएंगे तो हमें साइक्लिक संरचना वाला प्राथमिक अल्कोहल, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो प्राथमिक संरचना है जो 6 कार्बन की एक साइक्लिक संरचना है और उससे जुड़ा हुआ है CH2OH, तो इस तरह से हमें साइक्लिक प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। इसके अलावा मेथेनल के अलावा यदि हम अन्य प्रकार के एल्डिहाइड उपयोग में लाते हैं तो हमें द्वितीयक अल्कोहल मिलेंगे।
उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं RCHO। अब यहाँ पर जो RCHO है वो मेथेनल के अलावा अन्य कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। जब इसकी क्रिया हम RMGX से कराएंगे तो यहाँ पर जो RMGX ग्रिगनार रीजन का जो एल्किल मूलक है वह भी उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिससे पहले से ही एक अन्य R समूह जुड़ा हुआ है, और इस तरह से जो हमें RCHROH जो कंपाउंड या अल्कोहल मिल रहा है वह हमें द्वितीयक प्रकार का मिलेगा। इसी तरह से अन्य एल्डिहाइड लेने पर भी हमें द्वितीयक प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होंगे। इसके अलावा जब हम क्रिया कीटोनों की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, यह कीटोन यानी कि RCOR, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कीटोन ले सकते हैं, जैसे एसीटोन ले CH3CO CH3। जब इसकी क्रिया हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMGX से कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बोनिल समूह है उसमें पहले ही कार्बन जुड़े हुए हैं, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, और जब हम RMGX का यहाँ पर ऐड से इसकी क्रिया कराते हैं तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में उपस्थित जो R एल्किल मूलक है वह भी उस कार्बन से जुड़ जाता है, यानी कि कार्बन से तीन एल्किल समूह जुड़ गए होते हैं और साथ ही साथ एक से जुड़ा हुआ होता है उससे हाइड्रोक्सिल समूह। तो इस प्रकार से जब कीटोन की क्रिया हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें तृतीयक प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड तथा कीटोन का उपयोग करके ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक प्रकार के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इन सारी विधियों के द्वारा हम अल्कोहलों का विरचन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ विधियां जानते हैं जिनके द्वारा हम फिनोलों का विरचन यानी कि फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिनोल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, इसे सर्वप्रथम 19वीं सदी के प्रारंभ में कोलतार से प्राप्त किया गया था, लेकिन आजकल फिनोलों को औद्योगिक तौर पर विभिन्न संश्लेषण विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा फिनोलों को प्रयोगशाला में इंजन के व्युत्पन्नों के द्वारा हम भिन्न भिन्न विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ विधियां जानते हैं जिनके द्वारा हम फिनोलों का विरचन करते हैं। सबसे पहली विधि है हेलोएरिनो से। हेलोएरिन यानी कि हेलोजन युक्त एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन, जिसमें कि बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित रहता है। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम 623 केल्विन टेम्परेचर तथा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्षार के साथ कराते हैं, यानी कि उच्च ताप पर जब हम इसको क्षार के साथ संगलित करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग में एक ऑक्सीजन तथा एक सोडियम परमाणु इससे ONA इससे जुड़ा हुआ होता है, जहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तथा सोडियम चूंकि यहां पर धातु है इसलिए यह हल्का पॉजिटिव चार्ज इस पर पाया जाता है। इस सोडियम फिनोक्साइड को फिर आगे जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, अम्लन करते हैं, यानी कि जब अम्ल HCl के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो अम्ल में भी हम जानते हैं कि H जो है वो धनावेशित होगा और जो Cl है वो ऋणावेशित होगा। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो जो फिनोक्साइड के ऑक्सीजन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उससे HCl का हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें फिनोल प्राप्त होगा। तो इस विधि के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वह है बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पहले प्राप्त करने के लिए हम बेंजीन का उपयोग करते हैं, और बेंजीन की क्रिया जब गर्म तथा सांद्र ओलियम से कराई जाती है, यानी कि H2S2O7 ओलियम से जब हम कराते हैं
तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में एक सल्फोनल समूह SO3H समूह का यहाँ पर एडिशन हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु एक बाहर निकल जाता है और यहाँ पर SO3 समूह आकर यहाँ पर उससे रिप्लेस हो जाता है। अब जब ये जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो हमें प्राप्त हुआ है, अब इसकी क्रिया हम क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर बेंजीन जो रिंग है C6H5ONA सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पर प्राप्त होगा। अब पुनः सोडियम फिनोक्साइड का हम एसिडिफिकेशन करेंगे, HCl के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमें यहाँ पर जो उत्पाद होगा वो फिनॉल C6H5OH फिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सोडियम है वह Cl के साथ जुड़कर NaCl बना लेगा। तो इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया के द्वारा भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विधि है फिनॉल बनाने की, वह है डाई एजोनियम लवण के द्वारा। डाई एजोनियम लवण यानी कि यहाँ पर जो इनका जो सामान्य सूत्र होगा जिसमें कि डाई एजोनी बेंजीन रिंग से एक N2Cl समूह या जुड़ा होता है, और डाई एजो से यहाँ पर तात्पर्य है नाइट्रोजन के दो परमाणु यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जैसे कि एनिलीन है, इसका उपयोग करके डाई एजोनियम लवण प्राप्त करते हैं, और इसके लिए जो प्राथमिक एमीन जैसे कि यहाँ पर एनिलीन है C6H5NH2 इसका सूत्र है जो आप संरचना में देख सकते हैं। जब इस प्राथमिक एमीन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करते हैं तो हमें डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। यहाँ पर नाइट्रस अम्ल का सीधे उपयोग न करते हुए हम यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के मिश्रण का उपयोग करते हैं, और इस तरह से जब इसकी क्रिया करते हैं तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होते हैं। एनिलीन की क्रिया जब सोडियम नाइट्राइड और HCl से कराई जाती है तो उस समय जो तापमान है वह लगभग 273 से 278 केल्विन के मध्य रखा जाता है। तो इस तरह से जो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है C6H5N2Cl, जहाँ पर हम देखें जो नाइट्रोजन है N2 है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार जो हमें लवण प्राप्त हुआ है, अब इसका तनु अम्ल के द्वारा अथवा जल के द्वारा, जब हम इसमें जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर जो N2 है डाई एजो समूह है वह N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में पृथक हो जाती है, जो Cl है वह जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर HCl बना लेता है, तथा जो OH समूह है वह यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमें फिनॉल प्राप्त होते हैं। तो जब हम डाई एजोनियम लवण का जल अपघटन करते हैं तनु अम्ल के द्वारा जल के द्वारा, तो यहाँ पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है, साथ में N2 नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, और साथ ही HCl गैस प्राप्त होती है। तो इस विधि के द्वारा भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। एक और विधि है जिसके द्वारा हम बहुत अधिक मात्रा में फिनॉल प्राप्त करते हैं, या कह लें कि विश्व में फिनॉल का जो अधिकतर उत्पादन है वह इसी विधि के द्वारा किया जाता है, और वह विधि है क्यूमीन से फिनॉल का प्राप्त करना, क्यूमीन के ऑक्सीकरण के द्वारा फिनॉल प्राप्त करना। क्यूमीन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है और जिसका सूत्र होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, यहाँ पर आप संरचना देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है जिसके एक हाइड्रोजन को आइसोप्रोपिल समूह के द्वारा एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं क्यूमीन, जिसका जो नाम होता है वह होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करने पर
या एक जो नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन जो हम देख रहे हैं, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो आइसोप्रोपिल समूह का जो कार्बन है, उससे दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज बन जाती है। और इस तरह से जो यौगिक बनता है उसे हम क्यूनोन हाइड्रोपरऑक्साइड कहते हैं। अब इस क्यूनोन हाइड्रोपरऑक्साइड का अम्ल के द्वारा, तनु अम्ल के द्वारा जब हम जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला जो लिंकेज है वह टूट जाता है, और वहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वह बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, तथा जो शेष भाग है यानी कि CH3COCH3 जिसे हम एसीटोन कहेंगे, या जो कीटोनिक पार्ट है, वह हमें पृथक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम क्यूमीन के ऑक्सीकरण के द्वारा हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ इस अभिक्रिया की जो विशेषता है वो ये कि यहाँ पर हमें जो इसका सह उत्पाद या जो बाय प्रोडक्ट एसीटोन प्राप्त हो रहा है उसकी भी बहुत अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसका उपयोग विश्व में अधिकांशतया फिनॉल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी विधियाँ थी जिनके द्वारा हम एल्कोहल तथा फिनॉलों का विरचन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल तथा फिनोलों की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी कि इनके रासायनिक और भौतिक गुण।